friends, you are most welcome in PVP Law Online classes. It is 16th February today, and today I have to take third lecture among the five free lectures on CPC, which are available only for registration fees 200 rupees. And today I will discuss the difference between the same term jurisdiction used at two places in the code, under section 9 and under section 21. Aaj CPC ke 5 free lectures mein se teesra lecture hai aur aaj shaam 7:30 baje main charcha karunga adhikarita shabd ke antar par. Yahi adhikarita shabd jo dhara 9 mein prayog mein laya gaya usme aur jo dhara 21 mein prayog mein laya gaya usme क्या अंतर है. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में जो अधिकारिता शब्द का प्रयोग है, जुरिस्डिक्शन शब्द का प्रयोग है, और जो धारा 15 से 20 के अधीन अधिकारिता शब्द का प्रयोग है, जिस पर आक्षेप करने के आधार धारा 21 में दिए गए हैं, इनमें क्या अंतर है. यानी अगर मैं धारा 9 के अधीन कोई ऑब्जेक्शन करूं तो क्या होगा, और अगर धारा 21 के अधीन ऑब्जेक्शन करूं तो क्या होगा. व्हाट वुड बी द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्शंस on jurisdiction if it is made under section 9 of the code and if it is made under section 21 of the code. In dono mein kya antar hai, aakhir kyon kaha gaya hai ki section 9 mein agar objection hota hai, prove ho jata hai, to decree void ho jayegi, null and void hogi, jabki 21 mein agar aap improper exercise of jurisdiction prove bhi kar dete hain to bhi decree valid hogi, jab tak ki aap ye na prove kar dein ki isse injustice hua hai. यानी यहां इनजस्टिस होने की एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, इसे प्रूफ करने के बाद ही डिक्री को वायड कर पाएंगे, अदरवाइज जुरिडिक्शनल एरर के बावजूद भी डिक्री वैलिड होती है. जबकि यहां जुरिडिक्शनल एरर अगर थोड़ा भी हो गया तो डिक्री वायड होती है. इन दोनों जुरिडिक्शन में क्या अंतर है, तो आज शाम 7:30 बजे मुझसे मिलिए. और ये जो 5 डेज फ्री क्लासेस हैं 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन पे, ये एक तरह का ट्रायल है कि आप इन क्लासेस में आइए और फिर आप देखिए कि पूरी सीपीसी की क्लास क्या आपको करनी चाहिए, क्या आपको उससे फायदा होगा. तो अभी भी मौका है, आज कल और परसों भी 3 क्लासेस बाकी हैं. आज मैं पढ़ाऊंगा जुरिडिक्शन के बारे में, कल मैं पढ़ाऊंगा काइंड्स ऑफ डिक्री के बारे में, 17 फरवरी को. कल काइंड्स ऑफ डिक्रीज, कॉन्सेंट डिक्री, कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, कॉन्टिंजेंट डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, कल 17 फरवरी को मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा. और परसों यानी 18 फरवरी जो लास्ट फ्री क्लासेस में से एक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट गार्निशी, गार्निशी के विरुद्ध आज्ञप्ति का प्रवर्तन. कल और परसों जो 2 क्लास हुई है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा. यानी अगर आप फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 200 रुपीज से रजिस्ट्रेशन कराइए, पीछे की 2 क्लास भी आपको मिलेगी, और ये 3 क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है. फिर आपको लगता है कि ये विषय आपको पढ़ना चाहिए तो आप उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है. एक बात और भी कि पीवीपी ला के 2 यूट्यूब चैनल है, पंकज विधि प्रवाह और पीवीपी ला, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए. समय समय पर मैं दोनों में अलग अलग वीडियो डालता रहता हूं, ठीक है. संस्थान से संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 8957568536, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए. धन्यवाद.